Casa de Reyes. इसी क्या बात हुई कि शौक के लिए तुम अपनी माँ से अपने घर वालों से झूठ बोलने पर मजबूर हो गई? क्या छिपाना चाहती? बाबा, मैंने आज तक न ही आपका भरोसा तोड़ा है और न ही आगे तोड़ूंगी। दिया पर उंगली उठाना भगवान का अपमान करने के बराबर है। अभी हाल ही में मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुई और आप ये जानते हैं किडनी मुझे किसने दी? जिया ने। और आप ये जानते हैं पैसे उसे कितने चाहिए आपके ऑपरेशन के लिए? आपकी जान बचाने के लिए वो अपनी जान पर खेल। और आप क्या? लेकिन अचानक कैसे कैसे हो गया? कल और आज में इतना फर्क कैसे? मॉम, आप जानती है क्या हुआ? मानस, अचानक ऐसे कैसे हो गया? I don't know, mom. The market has crashed. Our shares have hit rock bottom. हम बर्बाद हो रहे हैं, mom. ये सब क्रैश होने के पहले सोचना चाहिए था मानस। अब सोचने से क्या फायदा? अगर मार्केट के ऊपर तुम नजर रखते ना तो ये सब। Oh, come on, mom. मार्केट का कभी किसी को पता होता है? मानस, शेयर्स गिरवी रखने का आइडिया तुम्हारा था, मेरा नहीं। क्या कह रही हैं? हाँ, उस वक्त हम फंड्स कहाँ से लाते? एक ही रास्ता था मॉम, और उस वक्त आइडिया आपको बहुत अच्छा लगता था। That time you thought the idea was good. बकवास मत करो। अगर शेयर्स पर तुमने पहले से ही नजर रखी होती ना तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। अगर तुम मुझे पहले से बता देते तो हम शेयर्स थोड़ी देर के बाद बेचते, लेकिन अब हमारे शेयर्स की वैल्यू आसमान से नीचे गिर गई है, समझे तुम? और जमीन पर गिर के चकनाचूर होकर मिट्टी में मिल जाने में ज्यादा देर नहीं लगी। आप जिया को फोन लगा रहे हैं? हाँ। आप कुछ बोलिए तो सही, क्या बात हुई है? ऐसे चुप क्यों हैं? बगैर चीनी की चाय और कुछ बिस्किट ले आओ, दवाई लेनी है। कोई खास बात नहीं है, बस जिया के साथ रिपोर्ट के बारे में बात करनी है। हेलो। हेलो क्षोम, मैं ज्ञान पांडे बोल रहा हूँ। बेटा, जिया कहाँ है कुछ पता है? आई थिंक मुझे पता है जिया कहाँ है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है जिया। ऐसी क्या बात हुई कि शोम के लिए तुम अपनी माँ से अपने घर वालों से झूठ बोलने पर मजबूर हो गई? क्या छिपाना चाहती? क्या कहूँ इसे, ये सच नहीं है। यहाँ लिखा है कि शोम की पत्नी का नाम जिया है। मंदिर तो भगवान का घर, आपको अपने घर पर होना चाहिए, नहीं? देखो, इस तरह किसी और के घर पर हमेशा कब्जा करके नहीं रह जा सकता। चलो अपने घर चलो। जाओ यहां से। तुम क्यों आए हो? तुम मुझसे बात मत करो, तुम जाओ यहां से। बाबा ने क्या कुछ नहीं कहा मुझसे, मैं तो उनकी ताकत थी, भरोसा थी मैं उनका, और तुम्हारी वजह से मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती शोभ। तुम जाओ यहां से। मैंने अपने बाबा का दिल दुखाया है, मैंने उनका भरोसा तोड़ा है। आज बाबा ने मुझ पर शक करके, दुनिया के साथ साथ आज बाबा भी मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझ पर शक कर रहे हैं। क्यों? मेरे बाबा, मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ था, सब कुछ। तुम प्लीज।
बाबा मुझे माफ कर दो। बाबा ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? बाबा उठिए मुझे माफ कर दो। नहीं बाबा माफ कर दो बाबा प्लीज उठिए बाबा माफ कर दे बेटी मुझे माफ कर दो। मैंने आपको माफ किया। हाँ मैंने माफ किया और यूं पैरों पे गिरकर मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए आप। मैं तुम्हें क्या कहूं बेटी बहू देवी मैं क्या कहूं तुम्हें। मैं जानता हूं जिया कि हर एक को एक ही जिंदगी मिलती है लेकिन मुझे तो कितनी जिंदगियां मिली जो तुमने दी। जितनी भी बार मेरे चेहरे पर मुस्कराहट आई तुमने अपना दामन आंसुओं से भिगोया। कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं तुमने मेरे लिए और आज मौत को भी छीन लिया तुमने मुझसे खुद जाकर उससे लिपट गई। बेटी मेरी जिंदगी तो खत्म होने को आई थी खुद को दांव पर क्यों लगाकर मुझे बचा लिया बेटा। बाबा खुद को दांव पर लगाकर मैंने अपनी जिंदगी सवारी है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती हाँ? बाबा मैं कोई देवी नहीं हूं मैं आपकी बेटी हूं और मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूं और उसके बल पर मैं कुछ भी कर सकती हूं किसी से भी लड़ सकती हूं बाबा मौत से भी। मैंने ऐसा नहीं किया है बाबा। जिया मैंने कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए तुम पर अब अपने आप पर शर्म आती है मुझे। बाबा आपके शक में भी आपका प्यार है ना? देख लेना जिया बेटा अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो आप मुझसे एक वादा कीजिए आप इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मैं चाहती कि कोई भी मुझे किसी और नजर से देखे। बाबा मैं आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूं। अब घर चले चलो। तुम समझ रहे हो ना मानस हमारे शेयर्स गिरवी हैं। हमें उसे किसी भी हालत में खरीद लेने चाहिए समझ रहे हो ना तुम मानस? हेलो क्या क्या मॉम क्या हुआ मॉम हमारे शेयर्स क्या हुआ? मानस कोई हमारे शेयर्स खरीद रहा है पांडे ध्रुवा कंपनीज का कंट्रोल कोई खरीद रहा है। हमारे सारे सारे हाथ में आए हुए चीज कोई छीन रहा है हमसे। अगर ये शेयर्स हमने वापस खरीद नहीं लिए ना तो हम तो हम बर्बाद हो जाएंगे मॉम। हमारे शेयर्स कौन हो सकता है? अगर मार्केट कुछ घंटों पहले गिरा है तो कौन है जो हमारे शेयर्स खरीद रहा है इतने कम दामों पे? गरीब एक रिस्क मॉम कौन हो सकता है? ये हो सकता है कि शेयर्स और भी गिरे। कौन खरीद रहा है ये शेयर्स? कौन खरीद रहा है ये शेयर्स? कोई एकदम वैसा ही खेल खेल रहा है जैसा मैंने जिया के साथ खेला था। यानी कि जिया पांडे खेल भी वही है
और चाल भी वही। फर्क सिर्फ इतना है कि आज शिकारी खुद शिकार बन गया। हर एक बात का हिसाब लिया जाएगा, हर एक आंसू का बदला लिया जाएगा। बाबा की इज्जत उनकी कुर्सी उन्हें वापस लौटाई जाएगी। पर सर अब देर किस बात की है? मेरा मतलब अब क्या रह गया? नहीं, आधा जख्मी शिकार जब पलट कर वार करता है तो ज्यादा खतरनाक होता है। आप ठीक कह रहे हैं सर, वार तभी पूरा माना जाता है जब दुश्मन खत्म हो जाए। बिल्कुल, मानस यूं चुपचाप बैठने वाला नहीं, तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। क्या करेगा वो, ये पता लगाना होगा। मैं समझ गया सर, हमें उन पर नजर रखनी होगी। हर एक पल हर एक कदम हमें उनसे आगे होना। वो क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या सोचते हैं, यहां तक कि कब सांस लेते हैं, कब सांस छोड़ते हैं, इस सब की खबर चाहिए मुझे। ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। बहुत सहा है मेरे पापा ने, उनके हर एक आंसू का हिसाब लेना। शेखर अब जिया के पास कभी लौट कर नहीं जा सकता, क्योंकि जिया की जिंदगी की गाड़ी अब किसी और पटरी पर चलने लगी है। यानी शेखर को रहना मेरे साथ ही है, चाहे मैं कुछ भी करूं। हेलो मिस्टर मलिक, नेत्रा यो। हाँ नेत्रा जी। वो डायरेक्टर साहब आपकी अगली फिल्म के बारे में कुछ बता रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं उस फिल्म के लिए तैयार हूँ। दैट्स वेरी गुड, पर क्या आप एक और फिल्म कर पाएंगे? स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल है, रोल ग्लैमरस है और आप प्रेग्नेंट हैं। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं ये फिल्म करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगी। फंटास्टिक, फिर मैं शेड्यूल और डेट्स के बारे में आपको बताता हूँ। ओके थैंक्स। अरे जिया तो आपके साथ है और आप इसे ढूंढ रहे थे, कहाँ चली गई थी बेटा? कुछ नहीं माँ, वो बस बाबा थोड़े इमोशनल हो गए थे तो मैं भी क्या कम थी, बाप बेटी के बीच में थोड़े सेंटीमेंट चल रहे थे। कितना वेट कराया, दिस सिस्टम इज। क्या हुआ आरू? जिया भाभी, आज खास तौर पे हमें बुलाया था, जब हम वहां पहुंचे तो बोला कि मशीन खराब है, रिपोर्ट कल मिलेगी। अरु इतनी छोटी सी बात के लिए इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करते। अरु गुस्सा मत करो, कल मैं जाके बाबा के रिपोर्ट्स ले आऊंगी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ काम है, अभी आता हूं। सॉरी मिस्टर पांडे, आप यहां? आपने मुझे माफ कर दिया? माफी? माफी किस लिए बेटा? वेरी गुड, जली कटी पर मिट्टी डालो। बोलो बाबा, क्या सेवा करूं मैं आपकी? आपको चाय चाहिए? मैं आपका फोर कोर्स स्वागत करता हूं। पहले चाय, फिर सूप, फिर चिकन, फिर लसानिया। अरे बस 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 करो, पहले ठीक हो जाओ फिर सब मुझे खिलाना, ठीक है? अच्छा चलो एक कप चाय। अकेले रहते हैं? नहीं, कभी कभी कोई मेहरबान आ जाता है तो दुकेला हो जाता हूं, नहीं तो कौन पूछता है मुझे बाबा। बेटा मैं यहां तुमसे माफी मांगने, दरअसल बेटा मैं यहां इसलिए आया हूं कि। छोड़ो ना बाबा, गई बीती पे मिट्टी डालो, मैं चाय लेकर आता हूं, लेकिन चाय झूठी करके दूंगा। क्या? हम दोनों को चीनी मना है ना, थोड़ी मिठास तो चाहिए ना। अच्छा आप तब तक बोर मत हो, आप घर देखिए ना, अकेले रहता हूं लेकिन घर ठीक ठाक है। ठीक है।
प्लीज बाबा कुछ सोचना मत, मैं आपको बताता हूं। ये मेरी बिछड़ी दोस्त निस्ना है, जिया नहीं। जिया की तरह दिखती है लेकिन है निस्ना, और कोई नहीं। ठीक है बेटा, चलता हूं मैं बेटा, घर आते रहना। लेकिन बाबा चाय? फिर कभी। बाबा, अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? आशीर्वाद ले रहा हूं बाबा, बहुत दिनों के बाद किसी बड़े के पैर छूने का मौका मिला। पैर छूकर अपने लिए अच्छी जिंदगी मांग रहा हूं। हाउ कैन आई लेट इट गो? माँ, मैं बाबा की रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल जा रही हूँ। हाँ बेटा। मुझे ज्ञान पांडे जी की रिपोर्ट दे दीजिए। थैंक यू। सिस्टर, ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा? वो तो डॉक्टर ही बता सकती है। ओके। नेत्रा यहाँ? सिस्टर, वो नेत्रा मैडम आपसे कौन से ऑपरेशन के बारे में बात कर रही थी? जी, मैं उनकी रिश्तेदार हूँ। वो यहाँ एबॉर्शन के लिए आई है।